बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको सैर कराएंगे सकारिया प्रोविंस की। इससे पहले आपने इस्तंबुल अनातोलियन साइड से हिजमत का सफ़र किया था और उसके बाद हमने हिजमत सिटी सेंटर की एक वीडियो आपसे शेयर की थी। उम्मीद है आपको सब वीडियोस पसंद आती होंगी। बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सकारिया सूबा मारमराई सी रीजन में आता है और ब्लैक सी कोस्टल एरिया है ये। इससे पहले कोचेली विज़िट किया था आपने प्रोविंस का, इस्तंबुल के बाद कोचेली प्रोविंस और कोचेली के बाद ये सकारिया का कैपिटल जो है अदापाजार है। इसका पुराना नाम भी अदापाजार था। इस्तंबुल अंकरा के दरमियान जो हाईवे चलती है इसको तुर्किश में दायुज़ोला ए बेश D100 रोड है ये, ए बेश हाईवे जो इस्तंबुल को कनेक्ट करती है अंकरा के साथ। और इसके दरमियान ये जो सूबे आ रहे हैं हम इनका विज़िट कर रहे हैं, तो इस्तंबुल के बाद कोचेली और कोचेली के बाद ये प्रोविंस है सकारिया। सकारिया अपने वाटरफॉल्स, ग्रीनरी और सी व्यू की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। सकारिया कुदरती हुसन से मालामाल है। सकारिया अपने वाटरफॉल्स, खूबसूरत नदियों और पार्कों की वजह से काफ़ी मशहूर है। अगर आप इसके टूरिस्ट मकामात की बात करें तो आप लाजमी स्पांसा लेक जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट करते हैं। इसके अलावा इसकी ओलो एक्वा सिटी है, ये वाटर पार्क आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा मेदिन देरसी ये वाटरफॉल है यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे कोस्टल एरिया है कारासू, सकारिया ओरमानी पार्क है, सकारिया गोल पार्क है, आप इसका विज़िट कर सकते हैं। हिजमत से सकारिया का सफ़र तकरीबन 30 से 35 मिनट का है और अभी हम पहुंच चुके हैं सकारिया टर्मिनल पे, ऑटोबस टर्मिनल जैसे हम बस टर्मिनल कहते हैं, ऑटोबस तुर्किश नाम से ही। और हम इस वक्त सकारिया ऑटोबस टर्मिनल पे, यहाँ से हम अगले सफ़र के लिए निकलेंगे। यहाँ पे आपको टर्मिनल के अंदर तमाम जो बस रूट्स हैं पूरे तुर्की में जा रही हैं उनकी आपको टिकट ऑफिसर्स मिलते हैं। आप अपना आईडी कार्ड दिखा के यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं और अगले सफ़र पे जा सकते हैं। आइए हम आपको टर्मिनल के अंदर की सैर कराते हैं। ऑटोबस टर्मिनल में नॉर्मल तौर पर आपको रेस्टोरेंट्स, दुकानें वगैरह नज़र आएंगी। उसके अलावा टर्मिनल में ऑटोबस जो कंपनी है उनके ऑफिस हैं वहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ सर्विसेज मुहैया की जाती हैं पूरे तुर्की में। आप अगर सफ़र करना चाहते हैं उसमें मुख्तलिफ रेट्स हैं बस सर्विसेज के। अगर आप तुर्की में घूमना चाहते हैं तो बड़ा आसान है तुर्की में सफ़र करना, नहायत ही आसान है। अगर आप यहाँ पे वीज़े पे हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आप तुर्की के हर एक इलाके में आसानी से जा सकते हैं। तुर्की में तीन तरीक़ों से आप सफ़र कर सकते हैं, जिसमें एक बस सर्विस है, आपको बड़े बड़े टर्मिनल्स हैं बस टर्मिनल्स, ऑटोबस टर्मिनल्स, वहाँ से आसानी से आपको टिकट्स मिल सकती हैं। किसी भी इलाके में आप जाना चाहते हैं वहाँ से आपको टिकट मुहैया हो सकती है। इसके अलावा आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। बाय ट्रेन आप
एडवांस बुकिंग करें टिकट की। और ट्रेन भी बड़ा अच्छा सफ़र है, इसके अलावा आप बाय शिप भी सफ़र कर सकते हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में, और बाय शिप भी काफ़ी खूबसूरत सी व्यू नज़ारे में आप सफ़र कर सकते हैं। आप तुर्की में अगर विज़िट के पर्पज़ से आए हैं तो लाजमी तुर्की को एक्सप्लोर करें। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसमें आसानी से आप किसी भी जगह जा सकते हैं। जैसा कि आप होटल्स की बात करें तो होटल्स के भी मुख्तलिफ इलाक़ों के हिसाब से यहाँ पे नाइट रेट्स हैं, लेकिन आपको एक बजट होटल भी आसानी से मिल सकता है। ये जी टर्मिनल है और इसके बाहर यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लग्जरी बसेज हैं, बड़ी बसेज हैं, आप आसानी से कंफर्ट सफ़र कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे तुर्की के अंदर सकारिया के अंदर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उनकी तस्वीरें चलती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।